तो दोस्तों प्रवीण जिस तरह स्टेटस देखा है पुरुलिया ऑल सॉन्ग में, इस तरह आप भी स्टेटस बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंज जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए लाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, और लाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना, और जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा, तो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। और इस प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जितने सारे बीट है और जो रेक्टेंगल है इसको कुछ भी छिड़काई नहीं करना है, यहाँ पर जो सिप लेयर है ये लेयर को कुछ भी छिड़काई आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए देखो यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन को टच करना, और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड यहाँ पर कर लिया हूँ, तो आप भी एक फोटो ऐड कर लेना, और फोटो ऐड करना हो जाने के बाद ऊपर में जो थ्री डॉट यहाँ पर टच करना पड़ेगा, और इधर से फाइव नंबर में जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो कुछ इस तरह हमारा जो फोटो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो लास्ट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो देखो कुछ इस तरह जो फोटो है वो ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा, और यहाँ पर जो लेयर है दो लेयर देखो उसके ठीक नीचे रख देना, तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है उसको देखो मैं अभी बंद करके रखा हूँ, तो इसको खोल देना तो ऊपर में देखो कुछ इस तरह आपको ब्लैक शेडो देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा कर लेना। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर जो फोटो है इसमें इफेक्ट देंगे, तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन को टच करना, पीरियड को टच करके कॉपी पेस्ट कर लेना, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना। और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है इस सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में टच करना, और पीरियड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, तो देखो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको लिरिक्स लिखना पड़ेगा, तो आपको लिरिक्स लिखना नहीं होगा, मैं पहले से लिख कर रखा हूँ। इफेक्ट जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में चले जाना, और इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर जो देखो लिरिक्स है वो मैं पहले से लिख करके रखा हूँ। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच करना, और इधर से ऑल सिलेक्ट कर लेना, ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो फोटो है फोटो लेयर को अनसेलेक्ट करना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और इधर से कॉपी 21 लेयर कर लेना, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा। इसमें आने के बाद यहाँ पर आपको लिरिक्स को पेस्ट करना होगा, तो लिरिक्स लेयर को पेस्ट करने के लिए सबसे पहला जो बीट है इस बीट में आपको रहना पड़ेगा, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना पड़ेगा, और इधर से पेस्ट 21 लेयर कर देना, तो कुछ इस तरह देखो आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएगा। देखो तो यहाँ पर देखो जो गैप है इसमें आप लोग चैनल नाम दे देना, और फिर से यहाँ पर तो देखो आप क्या करना होगा, देखो हमारा जो इफेक्ट है खाली दो लेयर में देकर रखा हूँ देखो फर्स्ट में, और यहाँ पर जो लेयर है ये लेयर में इफेक्ट में नहीं देकर रखा हूँ, तो इसमें आपको इफेक्ट देना होगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पर जो देखो ये वाला जो लेयर है ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रीडोट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो जो लॉन्ग लेयर रहेगा सभी ये लॉन्ग लेयर में ये इफेक्ट को देना होगा, ऐसा करके देखो ऐसा करके लॉन्ग लेयर में दे देना, देखो ऐसे करके एकदम एंड तक, और ऐसे करके एकदम एंड तक दे देना, उसके बाद फिर से फास्ट में आ जाना, फास्ट में आने के बाद यहाँ पर देखो जो शॉर्ट लेयर है ये लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीडोट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद दोस्तों फिर से देखो यहाँ पर जो शॉर्ट लेयर है ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रीडोट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसा करके यहाँ पर दो तरीके का आपको इफेक्ट लगाना पड़ेगा ये दो लेयर में, देखो ऐसे करके अलग अलग इफेक्ट को दे देना एकदम एंड तक, और इफेक्ट देना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, फास्ट में आना होगा, क्लास ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पर आपको एक पिंजी बॉर्डर को ऐड करना होगा, तो ये वाला पिंजी बॉर्डर को ऐड कर लेना, उसके बाद लास्ट में आ जाना, ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो जाएगा, तो ऐसे करके आप भी स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद
यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।